बैंक सिर्फ चोर लुटेरों से ही परेशान नहीं है, अब जाली नोट वाले भी बैंक को दिक्कत देने लगे हैं। ताज़ा मामला बिहार के सहरसा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच का है, जहां पर 2,74,000 के नोट जाली निकले हैं, यानी 500 का नोट था वो सब जाली निकला है। सीएमएस कर्मी 8,56,000 कैश जमा करने आया था, जिसमें से 2,74,000 के 500 के नोट जाली निकले हैं। पुलिस मामले के तफ्तीश में जुट गई है। बिहार के सहरसा में ये बीते सोमवार की घटना है। एसबीआई मेन ब्रांच में 2,74,000 रुपये के नकली नोट मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस भी बैंक पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बीते सोमवार एक सीएमएस कंपनी में काम कर रहे कर्मी ऋतिक कुमार अपने एक और साथी के साथ महिंद्रा फाइनेंस से 8,56,000 रुपये कैश लेकर एसबीआई मेन ब्रांच में जमा करने गया था। एसबीआई बैंक कर्मी के द्वारा राशि तो उस वक्त जमा कर ली गई, बाद में जब कैश मिलान करने को लेकर मशीन में डालकर गिनती की जा रही थी तो करीब 2,74,000 के 500 का नोट रिजेक्ट हो गया। उसके बाद तो बैंक में हड़कंप सा मच गया। फिर उस युवक को पूछताछ के लिए बैंक के कर्मी के द्वारा फोन करने पर बुलाया गया। जब युवक बैंक पहुंचा तब स्टेट बैंक के मैनेजर विनोद कुमार सिंह के द्वारा एसपी को भी सूचना दे दी गई। उसी सूचना के आधार पर सहरसा एसपी लिपि सिंह के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत भारती खुद कर रहे थे। इस गठित टीम में थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार, अंचल इंस्पेक्टर राजमणि भी शामिल थे। वहीं जांच टीम के द्वारा बैंक पहुंचकर उस जाली नोट को जब्त कर जांच की जा रही है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत भारती ने कहा कि उक्त युवक को हिरासत में लिया गया है, अभी जांच चल रही है, जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जांच के बाद मीडिया को भी खुलकर इस मामले में जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2016 में नोटबंदी की गई थी तो भी यह कहा गया था कि जाली नोट बहुत देश में फैल गए हैं, इसे रोकने में भी नोटबंदी कारगर साबित होगी और नए नोट को डुप्लीकेट बनाना या जाली बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन अब दिख रहा है कि कैसे धड़ल्ले से जाली नोट मार्केट में फैलते जा रहे हैं। अब हिम्मत तो देखिए, लोग 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए के जाली नोट लेकर बैंक जमा करने भी पहुंच जा रहे हैं। हालांकि मामले की तफ्तीश अब शुरू हो गई है, देखना यह होगा कि पुलिस इसमें कहां तक पहुंच पाती है और इसके जड़ में कौन है जो जाली नोटों का कारोबार कर फिर से मार्केट में डुप्लीकेट नोट फैलाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है।